हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो लाई हूँ, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में तो देखा ही होगा और बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन किया भी होगा कि पहले मुर्गी आई है या अंडा। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैक्ट जीनियस, जहाँ आपको रोज़ एक मज़ेदार फैक्ट्स मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अंडा आया या मुर्गी, ये सवाल 2000 साल पहले एक ग्रीक फिलोसोफर के मन में आया था और तब से ये सवाल पूरी दुनिया में फैल गया। दरअसल ये दो साइड से सही हो सकता है। अब लोगों की इस पर कई सारी थ्योरी है। कुछ लोगों को लगता है कि भगवान ने ये दुनिया बनाई है और सारे पशु पक्षी भी भगवान की ही देन है। शायद भगवान ने ही पहले मुर्गी बनाई और फिर उसके बाद उसमें से अंडा आया। वैसे ही डार्विन भाई साहब ने ओरिजिन फिशेस की थ्योरी से बताया कि एडजस्ट होने वाले सभी लिविंग थिंग एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से पैदा हुए थे, लेकिन कुछ रिसर्च ने ये पता लगाया कि वर्ल्ड की सबसे पहली मुर्गी 9500 साल पहले साउथ ईस्टर्न एशिया में एक अंडे से निकला था। तो सिंपल सी बात यह है कि पहले अंडा आया होगा, क्योंकि इवोल्यूशन बायोलॉजिकल का भी यही मानना है कि सबसे पहले मुर्गी का म्यूटेशन के द्वारा फॉर्म हुआ। मतलब ये कि उस समय मुर्गियां तो नहीं थी, लेकिन बर्ड्स होते थे जिन्होंने गलती से जेंटली चिकन का अंडा दिया। कुछ 100-500 साल पहले डायनासोर के साथ साथ, मतलब कि बड़े डायनासोर के साथ साथ छोटे डायनासोर भी थे, तो शायद उनसे ही बर्ड्स पैदा हुए होंगे। और ये जो बर्ड्स थे जिन्होंने मुर्गी के अंडे को जन्म दिया, वो भी जेंटली मुर्गी के जैसे ही दिखते थे। रिसर्च ऐसे बर्ड्स को पोटोहेन कहते हैं। तो पोटोहेन ने अंडे दिए तो कुछ प्रोटोजोन के वजह से वो एक मुर्गी का अंडा बन गया और फिर उन अंडे से जन्म हुआ चिकन का। और ये कुछ थ्योरी के मुताबिक सही भी है, तो हम भी यही कंसिडर करते हैं कि पहले अंडा आया बाद में मुर्गी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।